जिन लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहला किस्त नहीं मिला है, वह इस प्रोसेस को पूरा करेंगे तो उनको पहला किस्त का पैसा मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं इस प्रक्रिया के बारे में। किसान सम्मान निधि योजना में जिनका भी आवेदन 10 मार्च से पहले हुआ था, उनको योजना का पहला और दूसरा किस्त मिल गया है। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र तो हैं, लेकिन उनके खाते में अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहले किस्त नहीं आई है। इन किसानों को क्या करना है, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के CEO विवेक अग्रवाल के अनुसार 3 करोड़ से भी अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पहला किस्त भेजा जा चुका है, लेकिन आचार संहिता लागू होने से पहले 4 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण हुआ था। इस हिसाब से बहुत सारे ऐसे किसान बचे हैं जिनका योजना का पहला किस्त नहीं मिला है। इन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पाने के लिए एक शिकायत दर्ज करानी होगी। जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पहला किस्त नहीं मिला है, उनको निम्नलिखित उपाय अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले अपने जहां से अपना आवेदन कराया था वहां आपको संपर्क करना होगा। इसकी शिकायत सबसे पहले आपको अपने लेखपाल के पास करनी होगी। लेखपाल से शिकायत के दौरान आप यह जरूर पूछ लें कि आपका लिस्ट में नंबर कितने स्थान पर था। लेखपाल से अधिक शिकायत के बाद अगर आपको इसका पैसा नहीं मिलता है, तब आप ऊपर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलिए हम आपको ऊपर शिकायत दर्ज कराने के प्रोसेस के बारे में पूरा बताते हैं। अगर आपने अपने लेखपाल के पास इसकी शिकायत कर दी है और आपको इसका पैसा नहीं मिला है, तब आप पीएम किसान सेंटर लेवल पर बात कर सकते हैं। इसकी जानकारी दे सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हो, लेकिन अभी तक आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किस्त नहीं आई है। किसान निधि का पैसा आपके खाते में नहीं पहुँचा है तो आप इनसे हेल्पलाइन नंबर के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे तो आपसे आपकी कुछ जानकारी पूछी जाएगी। फिर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा कर अपने पैसे को अपने खाते में मंगा सकते हैं। जरूरी दस्तावेज जो आपके पास होना जरूरी है, तभी आप शिकायत के पात्र हो सकते हैं। निम्नलिखित जानकारी आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले जमीन के कागजात, खाता, खेसरा संख्या, लेखपाल की सूची में आपका नंबर कितने स्थान पर है, आपके लेखपाल का नाम क्या है, बैंक खाता संख्या क्या है, बैंक शाखा कौन से ब्रांच में है, खाता कौन से बैंक में है, तो ये सारा चीज आपको डिटेल्स शिकायत करने के दौरान आपको ये कस्टमर केयर को जानकारी देनी है। शिकायत दर्ज करने के लिए आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी और हेल्प डेस्क पर अपना नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी है pmkisan@gov.in, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, और फोन नंबर यहां पर दर्शाया गया है 0112338102। एक और नंबर है जो है 9111233824401। एक और ईमेल आईडी है pmkisan@qrs@gov.in। चलिए जान लेते हैं शिकायत दर्ज करने का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको दिए गए नंबर पर कॉल करना होगा, फिर आपको वहां बताना होगा कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थी और आपके खाते में अभी तक इसकी पहली किस्त नहीं आई। उपयुक्त अधिकारी आपसे कुछ सवाल करेंगे दस्तावेज के बारे में जो हमने आपको ऊपर बताया है, उसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे और आपसे आपका नाम, आपके लेखपाल का नाम, आपके पास कितना जमीन है, आपका खाता संख्या क्या है, आपका खाता कौन बैंक में है, जमीन की खेसरा संख्या क्या है, इत्यादि की जानकारी लेंगे और आपकी शिकायत को दर्ज करेंगे। शिकायत दर्ज करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर पीएम किसान डेस्क हेल्प की तरफ से एक मैसेज आएगा जिसमें आपकी शिकायत की संख्या दी जाएगी, जिसकी सहायता से आप भविष्य में इसकी स्थिति को चेक कर पाओगे और आपको अपने नजदीक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्य को देखने वाले अधिकारी का नंबर भी उसी मैसेज में दे दिया जाएगा। आप उस अधिकारी से भी संपर्क कर लेना ताकि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किस्त आपके खाते में आ सके। शिकायत दर्ज करने के बाद ज्यादा संभावना होती है कि आपका पैसा आपके खाते में आ जाए। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो आपको जरूर इसकी शिकायत कर देनी चाहिए। अगर आप इसकी शिकायत नहीं करेंगे तो जानिए आपके साथ क्या होगा। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि लाभार्थी किसानों की संख्या काफी ज्यादा है और जब तक आप इसकी शिकायत एक बार नहीं कर दोगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्टेट टीम को यह पता लगाने में समय लग जाएगा कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। परिणाम स्वरूप जितनी जल्दी आप इसकी शिकायत पीएम किसान हेल्प डेस्क टीम के करते हो, उतना जल्दी आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आ जाएगा। कैसी लगी ये जानकारी, आपको कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अभी भी आपका सुझाव कुछ कमेंट करना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश वीडियो के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा। तब तक के लिए विदा दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।